जिस घर में क्लेश है वहां दरिद्रता है, जिस घर में शांति है समाधान है वहां लक्ष्मी है। वैसे ही दोस्तों, जिस घर में भगवान कृष्ण का नाम लिया जाता है, जो घर में भगवान कृष्ण की पूजा होती है, वो घर में शुभ लक्ष्मी, पवित्र लक्ष्मी और स्थायी लक्ष्मी हमेशा के लिए रहती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश जानी। मेरी चैनल पे आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी के लिए शुभकामना, शुभेच्छा। भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, आज जो उपाय आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो उपाय से आपके घर में भी पवित्र लक्ष्मी, शुभ लक्ष्मी और स्थायी लक्ष्मी का वास अवश्य होगा। धन टिकता नहीं है। जैसे रुपये आते हैं मगर चले जाते हैं, अनवांटेड खर्च कहाँ खर्च हो जाता है वो आपको भी मालूम नहीं रहता है। कुछ ऐसे खर्च हो जाते हैं बाद में मालूम पड़ता है कि ये बेकार का खर्च कर दिया हमने। धन की वजह से आपकी कोई मनोकामना अधूरी रहती है, आपकी कोई इच्छाएं अधूरी रहती है। दोस्तों, मनोकामना पूरी हो जाएगी। घर के अंदर वास्तु दोष है, नजर दोष है, राहु शनि या तो केतु से आपके जीवन में कोई पीड़ा है तो पीड़ा भी अवश्य दूर हो जाएगी। शनि राहु और केतु की वजह से आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही है वो समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों, ये उपाय आप हर दिन करेंगे, लगातार करेंगे, सुबह में स्नान करने के बाद करेंगे। दोस्तों, उपाय बताने से पहले हर दिन की तरह आज भी सभी से नम्र निवेदन, छोटी अपेक्षा। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरा ये पहला वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि मेरे आने वाले ऐसे सभी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम बिना भूले लिख दें। दोस्तों, आपको बाजार में से लाना है ऐसा मोर पंख। पूजा का स्टोर रहता है, जहां पूजा का सामान मिलता है वहां से आपको मोर पंख मिल जाएगा। ये मोर पंख का झाड़ू है, वैसा झाड़ू ही लाना है। घर पे झाड़ू लाने के बाद मोर पंख के झाड़ू के ऊपर आप हल्दी से तिलक करें। सुबह स्नान करने के बाद आप ये झाड़ू को आपकी पूजा कक्ष के पास रखें, पूजा कक्ष के जहाँ आप पूजा करते हैं वहाँ रखें। ऐसा एक लाल वस्त्र बिछा के मोर पंख को हल्दी में, हल्दी पाउडर में थोड़ा गंगा जल मिला के, गंगा जल नहीं है तो थोड़ा शुद्ध जल मिला के आप एक तिलक करें। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः एक माला करें।
माला नहीं है आपके पास, तो 5 मिनट 10 मिनट आप बैठ के भगवान कृष्ण का ये मंत्र बोले। बाद में दोस्तों इस झाड़ू को, मोर पंख के झाड़ू को, आपके पूरे घर में सभी दीवारों के ऊपर टच करेंगे, आपने अक्सर देखा होगा फकीर लोग निकलते हैं वो लोबान लेके, जलता हुआ लोबान लेके बाजार में मार्केट में निकलते हैं, झाड़ू से लोबान का धुआं आपकी बिजनेस के स्थल पे देते हैं, आपके सर के ऊपर वो झाड़ू रखते हैं। दोस्तों राहु से जुड़ी जितनी भी समस्या है ना, वो समस्या ये झाड़ू से दूर हो जाती है। दोस्तों झाड़ू को सभी दीवारों के ऊपर, घर की सभी दीवारों के ऊपर आप स्पर्श करवाएंगे, हर दिन स्पर्श करवाएंगे। बाद में एक लाल कपड़ा लेना है आपको, झाड़ू को लाल कपड़े में लपेट कर आपकी साउथ की दीवार है, दक्षिण की दीवार है, वहाँ इस झाड़ू को साउथ की दीवार पे दक्षिण दिशा में आपके घर में रख देना है, मगर लाल कपड़े में लपेट कर झाड़ू को रखेंगे। दूसरे दिन यही कपड़े के ऊपर रख के आप झाड़ू को तिलक करेंगे हल्दी का, और भगवान कृष्ण का वो मंत्र का जाप करेंगे। दोस्तों मोर पंख के झाड़ू के सामने किए गए हुए जाप, भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं। दोस्तों रंक को, कंगाल को राजा बनाने वाला यह प्रयोग है, यह उपाय है। मैंने पहले भी बोला कि जहाँ भगवान कृष्ण का नाम होता है वहाँ दरिद्रता कभी आती ही नहीं है, लक्ष्मी कभी वहाँ से जाती ही नहीं है। बस दोस्तों आज इतना ही, वीडियो के अंत तक आप सभी मेरे साथ बने रहे, सभी लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद, वंदे मातरम।